घटना घटी आज पुणि थरे आरंभ हो उद्धार कार्य तेज सकाले आउ 11 जन को उद्धार कर 4 जन लोक फसी रही गतकाली राति होइजिबारु रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद रखा जाइथिला। वर्तमान सुधा 43 जन को उद्धार करागला तेज घटना रे 3 जन मृत्यु घटी फसी रही पर्यटकों उद्धार कार्य नियोजित होती आर्मी एयरफोर्स एनडीआरएफ आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस। तेज रविवार रोप 12 ट्रली गंतव्य पथरे आगको बढ़ुवा बेले हठात 2 ट्रली मध्यरे टक्कर होइतला। 800 मीटर तलक खसी पड़ा गोटे ट्रली पहाड़ पादेश पिटी हो 2 जनकर जीवन जाइतला। आकाश में झुली रही अन्य 11 ट्रली ते फसी रही लोकों खाद्य एवं पीवा पानी जोगाइबारे नियोजित होते वायुसेनार चेतक हेलिकप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन तदारक कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और समस्त सुरक्षित उद्धार करने समस्त पदक्षेप नि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सूचना देते। आपण बर्तमान एक्सक्लूसिव विजुअल देखिपुंट के भाव में हेलिकप्टर मध्यम जो ट्रली गुड़िक रही से ट्रली गुड़िकर वायुसेना एवं सेनार जवान मैंने रोप साहय केबुल साई ट्रली लोक उद्धार कर गत काली राति होइजिबापरे रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर सहित राति रे ही ट्रली रे फसी रही लोक खाद्य एवं पानी जोगाई दिया जाइथिला। आज पुणी सकाळ सकाळ रेस्क्यू ऑपरेशन को आरंभ कर हेलिकॉप्टर रे जवान माने जणक परे जणे लोकों को उद्धार करुछंती। आज लगभग दोपहर तक सभी को निकाल लिया है। आफ्टर इनिशियल आने में थोड़ा टाइम लगता ही है, पर आपने देखा है कि कल भी काफ़ी स्मूथली हमने रेस्क्यू किया है और आज भी रेस्क्यू कर रहे हैं जो कि स्मूथली चल रहा है। कई ट्रॉलीज की जो पोजीशन है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, जो खास एंगल पे है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बाकी रेस्क्यू ठीक तरीके से चल रहा है। उसमें लगभग वो एयरक्राफ्ट तक पहुंच गए थे, उसके ऊपर चढ़ते हुए शायद वो थोड़ा पैनिक कर गए, या क्योंकि एक जो ट्रैप्ड सिविलियन है वो भी 48 घंटे से 36 घंटे से बिना पानी के बिना खाने के है, तो इस स्थिति में थोड़ा रहता है। फिलहाल इसे रेस्क्यू करते हुए सेना के जवान जो हैं वो लगे हुए हैं। तेज रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे रही आईटीबीपी रो जवान सेपरी उद्धार करा लोकों स्वास्थ्यावस्था जांच करुच्ची डाक्तरी टीम उद्धार कर लोकों स्थिति किभली रही से नहीं डाक्तर माने मध्य लगातार भाव में निरीक्षण कर दिन भी रेस्क्यू किया जा रहा है और आईटीबीपी के टीम के द्वारा काफ़ी सराहनीय काम किया जा रहा है। लगातार जो है लोग जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का कार्य जारी है। जिस जगह पर चॉपर उतर रहा है वहां पे आईटीबीपी के डॉक्टर मौजूद हैं और लगातार जो उतर रहे हैं सबसे पहले ट्रीटमेंट मैडम के द्वारा ही किया जा रहा है और क्या स्थिति है वस्तु स्थिति उनकी रहती है और उस तरह से फिर यहाँ फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट देकर यहाँ से फिर रेफर किया जा रहा है। मैडम हमारे साथ हैं और हमसे जानने की कोशिश करते हैं, मैडम अब तक कितने लोगों का ट्रीटमेंट यहाँ पर हो चुका है, कितने लोग निकल चुके हैं और किस तरह से आप लोगों को ट्रीटमेंट कर रही है? देखो वैसे भी अभी 48 घंटे हो गया है ये हादसा होके, आज का जो भी उतरना ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का पानी और खाना तक नहीं मिला, क्योंकि ये लोग जहाँ पे फंसे हुए वहाँ पे हो सकता है इनकी खाने का पानी या खाना जो भी नहीं जा पाए होंगे, तो उनको पहले तो मतलब साइकियाट्रिक की भी उनकी पैनिक अटैक होने के चांसेस है और साथ में वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड भी होंगे, तो पहला हमारा चैलेंजिंग यही थे इनको मतलब कम से कम जितना जल्दी हो सके उनकी डिहाइड्रेशन को ख़त्म कर ले और उनकी जो भी साइकियाट्रिक इशूज उसको डील करें। और बाकी अभी जो जब आज जैसा मतलब हमारे लिए अभी पहले वाले चॉपर में 5 लोग आए हैं, उसके बाद 2 आए हैं। पहले वाले चॉपर में एक बच्चा थोड़ा सा मतलब सीजर अटैक जैसा लग रहा था, उसको तुरंत हमने हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है और बच्चे सही सलामत और पहुंच भी गया है, तो इस बात की ये खुशी हम गर्व से महसूस कर लेते हैं। आपने ये जो काम के लिए हम आया है वो काम अभी सक्सेसफुली चल रहा हुआ है और आगे भी हम मतलब आईटीबी की तरफ से यही है, हम यही उम्मीद करते हैं जहाँ पर भी मतलब लोगों की ज़रूरत पड़े हम आके अपने काम मतलब भी निभाएंगे। अब तक जितने का रेस्क्यू किया गया क्या कोई चोटिल थे ऊपर जिस तरह से वो घटनाएं हुई थी उसमें? तो देखो ये ऐसे इतनी बड़ी ऑपरेशन है, ये छोटे मोटे ऑपरेशन नहीं मानती हूँ मैं, इतनी बड़ी ऑपरेशन है। एक तो ऊपर से चॉपर से भी लोगों को निकाला जा रहा है और एक तो अपने आप रस्सी से भी मतलब कुछ लोगों को
निकाला जा रहा है। जो इतनी बड़ी ऑपरेशन में मैं मानती हूँ ये बहुत मतलब जो दुर्घटना जो हुई है वो होना नहीं चाहिए था, बट लेकिन इतनी बड़ी ऑपरेशन में मतलब होना मतलब ये हम यही करते हैं मतलब ये ठीक नहीं था, बट फिर भी मतलब बाकी सब जो खुशी देखते हैं तो हमें भी मतलब गर्व महसूस हो रहा है। बट मेरी मतलब हार्टफुल कंडोलेंसेस है जो भी मरीज मतलब उसमें मतलब कैजुअलिटी हुई, मैं बहुत चिंतित हूँ उसके लिए। बट आगे जो भी अभी जितने भी आ रहा है हमारा ये चैलेंजिंग के सबके सब मतलब हम सही सलामत उसके उनको घर पहुँचाएं। जी बिल्कुल, देखिए कि यहाँ पे आईटीबीपी के जो जितने भी पदाधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी लगातार 3 दिनों से लगे हुए हैं, रेस्क्यू करने का कार्य जारी है। और रेस्क्यू करने के बाद जब लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं किस अवस्था में है, सबसे पहले उनके मानसिक चीज को दिख रहा है और डिहाइड्रेशन, क्योंकि बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है और पानी बहुत मुश्किल से वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि जिस जगह पर अभी कैबिन फंसा हुआ है वहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें का सामना भी करना पड़ रहा है जवानों को, तो इसलिए डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा है और मानसिक रूप से लोग इसलिए थोड़े से बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि 3 दिनों से लगातार उस तरह की स्थिति में पड़े हुए हैं। लेकिन रेस्क्यू का कार्य लगातार जारी है, पहले खेप में 5 लोगों को और फिर अभी 2 महिलाओं को निकाल के सुरक्षित यहाँ से भेज दिया गया है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर।